हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर बुशहर के पटला बंगला मैदान में वर्ल्ड प्रोफेशनल MMA चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि रेसलर ग्रेट खली मौजूद रहे। हम फिट तो इंडिया हिट थीम लेकर आयोजित किए गए इस चैंपियनशिप में 18 देशों और विदेशों से आई महिलाओं और पुरुष फाइटर्स ने हिस्सा लिया। इसमें प्रमुख मुकाबले में पहला मुकाबला अफगानिस्तान के रोमन और रामपुर बुशहर के रहने वाले कपिल के मध्य टाई रहा। इस तरह ईरान के जावेद को भारतीय साहिल राणा ने हराया। नाइजीरिया के जस्टिन कैनेडी ने भारत के शुभम मलिक को हराया। भारतीय फाइटर मोनिका को जेवा मणिपुर ने हराया। भारतीय फाइटर प्रदीप हुड्डा को सूरज झा ने हराया। ग्रेट खली ने इस दौरान युवाओं को खेलों में आगे आने के प्रति प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि हिमाचली होने के नाते हिमाचल के युवा खेलों में आगे बढ़े, ऐसा वे प्रयास कर रहे हैं। समारोह के दौरान आनी के विधायक किशोरी लाल, हिमाचल वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी समेत आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। समारोह के दौरान मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मास्टर भूपेश UFI इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मास्टर भूपेश ने बताया कि इस चैंपियनशिप को आयोजित करने का मकसद युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना है और अधिक से अधिक युवाओं को खेलों की ओर अग्रसर करना है। इस तरह के प्रयास युवाओं को मोटिवेट करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभी से युवा कांग्रेस रणनीति बनाने में लगी हुई है। आने वाले पंचायती राज चुनाव और नगर परिषद में होने वाले चुनावों के लिए सोलन युवा कांग्रेस ने सोलन कांग्रेस भवन बैठक कर रणनीति बनाई और देश व प्रदेश की सरकारों को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर युवाओं को अवगत करवाने का निर्णय भी लिया गया। आने वाले चुनावों में अधिक से अधिक मत लेकर कैसे विजय हासिल करें, इसके लिए विस्तृत चर्चा भी की गई। बैठक में सोलन विधानसभा के सभी क्षेत्रों से आए युवाओं ने अपनी सहभागिता निभाई। इस मीटिंग में जिला सोलन युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित ठाकुर, युवा कांग्रेस नेता विकास काल्टा और धर्मपुर क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य अजय कंवर ने देश और प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी गिनवाया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी पंचायतों और नगर परिषद के चुनावों में युवा किस तरह से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इस बारे में उन्हें अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगारी के चलते अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर हो चुका है और देश व प्रदेश की सरकार महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाती जा रही है। उसी तरफ कोई भी ध्यान सरकार नहीं दे रही है, जिसके खिलाफ युवाओं को आगे आकर बढ़ना होगा और इसी बारे में चर्चा की गई कि कैसे रणनीति बनाई जाएगी। आनंद सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कंडाघाट में निशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा जांच व उपचार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर संजीव धीमान SDM कंडाघाट बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। शिविर के दौरान विश्व कीर्तिमान योग गुरु रणजीत सिंह के सानिध्य में सभी प्रकार के रोगों की जांच की गई। इस कार्यक्रम में दिनेश शर्मा व विशाल गुप्ता और उप प्रधान ग्राम पंचायत श्रीनगर मनीष सूद विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों को योग भी करवाया गया और उन्हें भी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान विश्व कीर्तिमान योग गुरु रणजीत सिंह ने बताया कि योग के किस तरह से मानव स्वास्थ्य को और सफल बनाया जा सकता है, साथ ही घरेलू उपचार से हम किस तरह निरोग रह सकते हैं, इस बारे में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने बताया कि एक दिवसीय शिविर का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूक करना है और उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से रोगियों का उपचार करके उन्हें तुरंत राहत पहुंचाना है, ताकि आम जनता का विश्वास प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ हो सके।